subscribe now for all the latest and trending updates. बिग बॉस हिंदी टेलीविजन की दुनिया में सबसे ज्यादा विवादास्पद शो में से एक है। ये कई सारे लोगों को एक साथ शो में लेकर आता है और सभी यहाँ आकर अपनी सूझबूझ से गेम खेलते हैं। शुरुआत से ही शो में केवल सेलिब्रिटीज आते थे, लेकिन हाल ही में कई सालों से सलमान खान के शो में आते हैं अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी, मशहूर हस्तियां और कई सारे लोगों को हिस्सा लेने का मौका मिलता है। हाल ही में एक खबर दी गई है, अगर फेमस वेबसाइट की मानी जाए तो बिग बॉस ओटीटी के नए सीजन में दिल्ली में वड़ा पाव स्टॉल चलाने वाली एक लड़की को शो में कंटेस्टेंट के तौर पर लेने की पुष्टि की जा रही है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले से ही ये लड़की सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जी हाँ, हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि दिल्ली की एक लड़की चंद्रिका दीक्षित राष्ट्रीय राजधानी में बड़ा पाव स्टॉल चलाती हैं। वो अपने खूबसूरत लुक और इस काम के लिए नेटिजन्स का ध्यान अपनी ओर खींच चुकी हैं। खबर ये है कि अब ये लड़की बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में नज़र आने वाली है। चंद्रिका दीक्षित को इंस्टाग्राम पर रास करते हुए देखा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग मुंबई का वड़ा पाव खाने के लिए उनके स्टॉल पर आते हैं। और अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो चंद्रिका को बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के मेकर्स ने शो का हिस्सा बनने के लिए संपर्क किया। हालांकि इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा विवादित शो के घर के अंदर उन्हें देखने के लिए नेटिजन्स बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। चंद्रिका की यात्रा सचमुच प्रेरणा देने वाली रही है। जब उनका बेटा डेंगू से बीमार हो गया था तो उन्होंने हल्दीराम की नौकरी छोड़ने के बाद फूड स्टॉल शुरू किया था। रैपिडो में उनके पति के बिजी स्केड्यूल के कारण उन्होंने फूड स्टॉल चलाने को अपना व्यवसाय चुना। हाल ही में एक फूड ब्लॉगर अमित ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने चंद्रिका को दिखाया, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल हुई थी। सलमान खान के रियलिटी शो में अब एक दशक हो गया है इसे चलते हुए। इसने कई सारे मशहूर हस्तियों को फेम दिया है और उनका नाम बनाया है, लेकिन शो का ये ओटीटी वर्जन सामान्य लोगों को इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। ओटीटी वर्जन से फेमस होने के बाद लगातार सेलेब्स छाए हुए हैं। इनमें नाम है मनीषा रानी उर्फी जावेद का भी और एलविश यादव को भी शो से पॉपुलैरिटी हासिल हुई, हालांकि वो तो पहले से ही काफ़ी फेमस रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सब पर हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएँ और इस अपडेट्स के लिए जुड़ रही है इन ट्रेंड न्यूज़ के साथ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।